हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल दिशा की किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बिहारी स्टाइल चिकन करी। बहुत ही आसान और टेस्टी हम इस डिश को बनाने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से एकदम क्विक बनाकर हम ये डिश को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, जिसको धोकर अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इसका पानी अच्छे से हमने निकाल दिया है। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे के प्रोसेस में चिकन में पानी बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे एक हांडी को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दी है 4 लौंग और 2 हरी इलायची। इस तरीके से हमें बीच में से इलायची को तोड़ करके ऐड कर देना, ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे चिकन में आ जाए। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 तेज़पत्ता। और इन सारे मसालों को हमें बिल्कुल कम आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और हांडी में हमें सारी तरफ अच्छे से तेल लगा लेना है, ताकि हमारा चिकन हांडी में चिपके ना। तेल बढ़िया से गर्म होने के बाद और सारे मसालों को भुनने के बाद इसमें मैंने अब ऐड कर दी है 1/2 चम्मच हल्दी की पाउडर। फ्रेंड्स, हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना और मसालों को भी हमें ज़्यादा नहीं जलाना। हल्के हल्के गर्म तेल में हमें हल्का मसाले भून लेने हैं, और हल्दी डाल करके भी हमें ज़्यादा देर नहीं छोड़नी है, फिर नहीं तो चिकन कड़वा हो जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन के पीसेस। सारे चिकन के पीस हम अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीस डालने के बाद हमें बढ़िया से चिकन को अच्छे से हमें तल लेना है। और इस समय पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अच्छे से चलाते हुए हमें चिकन को बढ़िया से भून लेना है, ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाएं और हमारा चिकन बिल्कुल जूसी और टेस्टी बन करके तैयार हो। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें लगातार चलाते हुए कुछ मिनट के लिए चिकन को तल लेना है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक कर के भी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमारा चिकन भी अच्छे से तल रहा है। और इसमें अब लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है नमक। चिकन के हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के नमक डाला था। और लास्ट में हमें नमक इसलिए डालना है, क्योंकि पहले अगर हम इसमें नमक डाल देंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा और चिकन अच्छे से भुन नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छे से भुन करके तैयार है। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस चिकन के अंदर, और अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। चिकन को निकालने के बाद बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच तेल और डाल देंगे उसी तेल में। और अब हम चिकन को तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दी है 4 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता और 2 गांठ ले ली हैं मैंने यहाँ पर लहसुन की, जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और इसको भी हम अब डाल देंगे। और यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले। इन सारे मसालों को भी हम ऐड कर देंगे तेल के अंदर, और बढ़िया से हम इसको भून लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। इस तरीके से अगर आप बिहारी मसालेदार चिकन बना करके देखोगे तो आप कभी भी इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जो हमने ये लहसुन डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। और अब मैंने यहाँ पे 1 गांठ लहसुन की अच्छे से छील करके कलियाँ डाल दी हैं। और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च को भी अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। और मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है, और इनको हम भून लेंगे बिल्कुल हल्की आँच पर। हमें इनको बढ़िया से भुनने देना है। फ्रेंड्स, इतना टेस्टी और एकदम टेम्पटिंग हमारा चिकन बनकर तैयार होने वाला है कि आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा।
अब मैंने यहाँ पे मसालों में ऐड कर दिए हैं 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कलर के लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। इन सारे मसालों को डालने के बाद हमें इनको भून लेना है बिल्कुल हल्की आंच पर कुछ देर के लिए। सारे मसालों को भूनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 गिलास के लगभग पानी। अच्छे तरीके से सारे मसाले भुन जाएं, जले ना, इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी और बढ़िया से हमारे सारे मसाले गल भी जाएं, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और ढककर के पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और हमें इन्हें इस तरीके से मैश कर लेना है। देखिए बढ़िया से हमें इस तरीके से इसको मैश कर लेना सारे मसालों को, ताकि हमारी ग्रेवी एकदम बढ़िया थिक बन करके तैयार हो और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, जो हमने लहसुन की गांठें डाली हैं उनको बचाते हुए हमें सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि टूटे ना। देखिए कितनी बढ़िया एकदम अच्छे से हमारे सारे मसाले मैश हो चुके हैं, बढ़िया से हमारी ग्रेवी बन करके मसालों की तैयार हो गई है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमारे ऑलरेडी भुने हुए हैं पहले से ही और चिकन को भी हमने बढ़िया से तल लिया था, तो हमें इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना। बस इतनी देर के लिए हमें छोड़ना है कि चिकन से अच्छे से तेल अलग होने लग जाए और एक बढ़िया सी खुशबू हमारे चिकन में आने लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। हम बिहारी स्टाइल मसाला चिकन बना रहे हैं तो हम इसमें बढ़िया से एकदम ग्रेवी वाला चिकन बना करके तैयार करेंगे, ताकि हम इसको चावलों के साथ अच्छे से खा सकें। तो अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको ढक कर के पकने देंगे 10 मिनट के लिए। लीजिए हमारी सब्जी एकदम बन करके चिकन बढ़िया तैयार है। परफेक्ट बिहारी स्टाइल मसालेदार चिकन हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर से कर दें और मेरे चैनल दिशा की किचन को सब्सक्राइब भी जरूर से कर और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक भी ज़रूर से करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।